हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो केवल एक कमेंट के ऊपर होने वाला है गाइस, क्योंकि वो जो कमेंट है वो बार बार करी गई है और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई, कौन से तोरण के ऊपर कितने एम्पियर का पावर सप्लाई हमें यूज़ करना चाहिए। और ये जो कमेंट है बार बार हमें करी गई है। तो गाइस, मैंने सोचा कि हाँ भाई, ये बंदे यहाँ पे अटके हुए हैं, तो क्यों ना हम इसको सजेशन दे और पूरा डेडिकेटेड वीडियो ही बना डाले। तो दोस्तों, आज के वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, क्योंकि यार आज मैं आपको E to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन से तोरण में कौन सा पावर सप्लाई यूज करें। ठीक है, तो गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने है ना डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बनाया है 20 जालर का, और उसका जो लाइन लेंथ है वो 50x20 का है। अगर आपका तोरण ये है, अगर आप ये तोरण बना रहे हो गाइस, तो उसमें आप जो है 60 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो किसी भी एक साइड, नो टेंशन। ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है, अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके भी ठीक से देख लो, क्योंकि ये जो है मैंने खुद से ट्राई करके मैंने ये बताया, ऐसे ही नहीं मैंने ड्राइंग बनाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा तोरण है वो 40 झालर का है, और उसका जो लाइन लेंथ है वो है 50x40 का, तो मतलब बड़े बिल्डिंग के लिए है ना। अभी इसके लिए आपको है ना 50 बल्ब हो गए, तो पूरा 20 फीट हो गया उसका हाइट। तो उसके लिए आपको 60-60 एम्पियर के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड 60-60 एम्पियर के पावर सप्लाई यूज़ करने रहेंगे, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी नेक्स्ट आता है केवल और केवल 10 झालर का तोरण बनाते हो, और उसका जो नाप है वो 25x20 का है गाइस। ठीक है, 25x20, तो उससे है ना एक पावर सप्लाई से हो जाएगा, और वो है 20 एम्पियर। ये जो है मैंने खुद से ट्राई करके मैंने बनाया। ठीक है, तो आप उसके ऊपर बिल्कुल डाउट मत करो, आप बिंदास ट्राई करो, है ना। नेक्स्ट जो हमारा है वो तोरण है गाइस 10x60, यानी कि जो रोड की साइड बॉर्डर में यूज होता है ना वो है। तो ये है ना बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन अगर आप 10x60 का थोड़ा छोटा बनाते हो तोरण, तो 10-10 एम्पियर के दो पावर साइप लग जाएंगे। लेकिन आप देखो ध्यान से, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है। इसका मतलब क्या है गाइस, कि नीचे जो भी जहाँ पे भी उसका जो सॉकेट फिक्स होगा वहाँ पे आपको ये पावर सप्लाई देना होगा, यानी कि नीचे की लाइन। ये ऊपर से आप तोरण के साथ साथ भी पावर सप्लाई का जो वायर है वो नीचे ला सकते हो किसी भी तरीके से दो, लेकिन दोनों साइड में 10-10 एम्पियर के पावर सप्लाई दे दो, SMPS दे दो। तो दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो तोरण है 10x100 का है, और वहाँ पे सेम कंडीशन है, लेकिन आपको 20 एम्पियर के पावर सप्लाई का यूज़ करना है ना। तो दोनों साइड पे है, आप गौर से देखो, दोनों साइड पे है, तो आप 20 एम्पियर का यूज़ करो, बिंदास आपका काम जो है वो हो जाएगा। अभी लास्ट जो हमारा तोरण है वो 20 झालर का है गाइस, और ये जो है वो 25x40 का है। तो ये जो है उसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुके हैं, उसका इफेक्ट भी हम बता चुके हैं, ये जो तोरण है उसका। और उसमें मैंने केवल और केवल यूज़ किए हैं 10-10 एम्पियर के राइट लेफ्ट में दो पावर सप्लाई। तो इसका मतलब क्या है गाइस, ये पूरे 20 झालर का है, तो 20 झालर में मैंने केवल और केवल 10 एम्पियर से क्यों चलाया है और क्यों चला है, ये बहुत ही प्रश्न है। तो यहाँ पे मैंने जो वायर यूज़ करा है वो 2.5 mm का है, 2.5 mm का वायर है, और ये पूरा 10 ही फीट हो जाता है ना 25x40। तो उससे क्या होगा कि जो पावर है वो उनको 10 फीट जाते जाते पूरा मिल जाता है। तो मैंने क्या किया, 10-10 एम्पियर के यूज़ कर दिए। तो गाइस, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो 1.5 mm का वायर यूज़ करके मैंने सभी को चलाया हुआ है, तो उससे कम वायर लोगे तो फिर आप कमेंट करोगे कि भाई ये नहीं चल रहा है, लेकिन 1.5 लो, ठीक है, ये जो डायग्राम है उसके हिसाब से चलना है। तो मैं तो बोलता हूँ कि 2.5 ही लो, लेकिन ये मैंने ट्राई करा हुआ है। तो गाइस, आज के वीडियो में आपका जो डाउट था कि भाई कौन से तोरण में कौन सा और कितना बड़ा पावर सप्लाई यूज़ करना है, वो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार, और आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करो ताकि और बंदों को भी, जिन बंदों को नहीं पता है उनको भी पता चले। लाइक तो करना है यार, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ाओ यार, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नहीं मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
सब्सक्राइबर है पुराने तो बेल का आइकन जरूर दबाए। बाकी आज के वीडियो में तब इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।